हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें आज ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सेल के बारे में बात करेंगे और फिर ज़्यादा डीप जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। देखो, सेल को बताने से पहले जो हमने लास्ट क्लास मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह बताए थे, उसमें एक चीज नोट कर लेना कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना, वो ज्यादातर एक एलॉय का बनाया होता है, ठीक है? वो जो कि टिन और लेड की एलॉय होती है, ठीक है? वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने पढ़ा था ना कि एक एक पतली वायर होती है, ठीक है? एक पतली वायर होती है जो कि जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है? तो ये जो मेन बनाई होती है, एलॉय से बनती है। एलॉय क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा मेटल को हम या नॉन मेटल को हम मिक्स कर देते हैं, तो जो बनता है उसे आप एलॉय कह देते हो। तो यहाँ पे वो किसके एलॉय है? वो टिन एंड लेड की एलॉय होती है, ठीक है? टिन का फॉर्मूला जो सिंबल होता है वो SN होता है, और लेड का जो होता है वो PB होता है, ठीक है? वैसे जरूरी है नहीं तुम्हारे सिंबल, लेकिन यहाँ पे SN और PB, टिन और लेड का इलेक्ट्रिक फ्यूज के जो ज्यादातर होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है? ओके, इसके बाद आप सेल क्या होती है देखो, चाहे सेल हो या कहीं पे अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा हो, कहीं पे अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा हो तो वो भी आपकी क्या होती है, उसको भी सेल ही कहते हैं। नॉर्मल में मैम इसको सेल कह देते हैं, राइट? अब देखो, सेल होती क्या है? सेल हम कह सकते हैं कि सर सेल वो डिवाइस होता है, ठीक है? सेल वो डिवाइस होता है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बोलो, बात समझ आई? कैसे लिख सकते हो? सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये याद रखना, क्वेश्चन भी आता है कि जो आपका सेल होता है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा सेल के अंदर कुछ भरा हुआ रहता है, ठीक है? कुछ केमिकल, इसमें कुछ केमिकल भरे हुए रहते हैं, उनमें जब रिएक्शन होती है तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है? आई बात समझ? ओके, इसके बाद याद रखना कि ये तो थी बात सेल की। अगर कहीं पे बैटरी लिखा हो तो बैटरी क्या होती है? बैटरी क्या होती है? सेल तो हो गया कि एक सेल, बैटरी को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल, ऐसे सिंपल ग्रुप ऑफ सेल भी आप कह सकते हो। वो आपकी क्या हो जाएगी? बैटरी बनके तैयार हो जाएगी, राइट? क्वेश्चन यहाँ से यही आएगा कि सेल किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अब जो सेल होती है, ठीक है, जो सेल होती है, सेल दो टाइप की होती है, सेल दो टाइप की होती है। टाइप फर्स्ट होती है आपकी क्या? प्राइमरी सेल। फर्स्ट होगा आपका प्राइमरी सेल, और सेकंड होगा आपका क्या, यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, दोनों को ध्यान से समझ लो। प्राइमरी सेल का मतलब है यहाँ पे वो सेल जो कि एक बार आपने उसे यूज कर लिया, उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे आपकी जो सेल वेल, जो जो घड़ी में जो सेल लगते हैं, ठीक है, जो टीवी के रिमोट होते हैं उनमें जो सेल लगते हैं, ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी सेल होता है। क्योंकि वो एक बार जब अपनी अपनी वो एक बार जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पूरा कन्वर्ट कर देता है, जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, हमेशा पूरी हो जाती है, तो वो फिर रिस्टोर नहीं हो पाती है, राइट? वो एक बार हो गया फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हो कांट बी रिस्टोर, एनर्जी कांट बी रिस्टोर, एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी दे रहा होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होगा। एनर्जी कांट बी रिस्टोर, वो किसमें? प्राइमरी सेल में। या आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें, ऑब्वियसली मैंने बोला केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, तो जो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या समझते हो? इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो रिवर्स नहीं होगी, एक बार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। इसी आपने देखा जो क्लॉक में जो सेल लगा होता है वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा वो फिर चार्ज नहीं हो सकता है, एक एक ही बार वो चार्ज होता है। जिसे आप ड्राई, इसका एग्जाम्पल ड्राई सेल आप लिख सकते हो, है ना? ड्राई सेल इसका एग्जाम्पल हो गया किसका? प्राइमरी सेल का। ओके, इसके बाद जो सेकेंडरी सेल होगी इसे हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है? ये रिस्टोर हो सकता है, रिस्टोर हो सकता है, मतलब अगर एक बार खत्म हो गया तो हम उसे फिर से स्टार्ट वो होता रहता है, ठीक है? मतलब हम कह सकते हैं इसमें आपका जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें आपके जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब जो होता रहेगा, ठीक है? रिवर्सिबल मतलब जो आपका होता रहेगा, एक बार खत्म हो गया तो फिर
एक बार खत्म हो गया तो फिर स्टार्ट से स्टार्ट होने लग जाएगा, मतलब ये खत्म नहीं होता है जनरली। अगर खराब हो गया वो बात तो अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे आपकी जो फोन की बैटरी होती है ना, फोन की जो आपकी बैटरी होती है वो भी क्या है, आपका सेल का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, जो कि जनरली होती है क्या, लिथियम आयन बैटरी, जो कि जनरली होती है आपकी क्या, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। या आपकी एक होती है क्या, लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। देखा है ना आपने कि एक बार अगर बैटरी खत्म हो जाती है, हम फिर चार्ज कर लेते हैं, फिर वो एनर्जी देना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी कोई भी सेल हो, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहले आपने पढ़ा भी होगा कि सेल का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रोड उसमें एनोड वगैरह उसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे। दो टर्मिनल होते हैं आपको पता है, प्लस माइनस वगैरह, तो ये तो नॉर्मल बात है। बाकी इस पे भी अगर बनाना होगा तो बता देना, हम वहाँ पे वो भी आपको बता देंगे, राइट। फिलहाल के लिए मेन क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेकेंडरी बैटरी उसका एग्जाम्पल लिथियम आयन बैटरी, याद रखना, राइट, ओके। इसके बाद अब कुछ और चीजें इसमें छोटे छोटे टर्म आते हैं, छोटे छोटे टर्म्स इसमें आ जाते हैं, राइट, जो कि हमें थोड़ी उनको भी देख लेना है। शायद आप लोग ये इनसे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से इन पे बन सकते हैं। जैसे इसमें एक आता है आपका क्या, डायनेमो। डायनेमो क्या होता है पता है, डायनेमो या जनरेटर, जनरेटर मतलब जनरेट करना, इसे शायद हिंदी में विद्युत जनित्र कहते हैं, ठीक है, जनित्र। तो डायनेमो आपके क्या करता है, सीधे याद रखना, डायनेमो जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो जनरेटर अब तो क्या नॉर्मल ऑटोमेटिक आते हैं, जैसे आप देखो जो पहले जनरेटर होते थे ना, तो उनको खींचना पड़ता था, देखा है, एक रस्सी होती थी उसको जोर से खींचना पड़ता था वो, और वहां पे जो काम मेन काम होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वहां पे एक कॉइल होती है, एक तार का एक गोला टाइप का होता है, ठीक है, उसमें मैग्नेट फिट रहता है, जब हम उसे खींचते हैं, उस मैग्नेट को खींचते हैं, तो वो मैग्नेट घूमने लग जाता है, उस जो कॉइल होगी, जो वायर होगी, उसके चारों ओर गो घूमने लग जाता है, और वहीं से उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, कि हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिज्म को, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो जाती है, ठीक है। आगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ओके। तो इस देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखो, आपको पता चल रहा है ना कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आप कौन कर रहा है यहाँ पे, डायनेमो कर रहा है, ठीक है। और अगर लिखना है तो इसमें ये लिखना कि जो ये वर्क बेस्ड ऑन, जो इस पे वर्क होता है, वर्क बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैंने बोला कि जो कॉइल होती है, कॉइल मतलब ये कुछ इस तरह के तार होती है ना, उसमें हम मैग्नेट फिट करते हैं, हम मैग्नेट को खींचते हैं, इन दोनों में मतलब आपस में क्या होता है, इन दोनों में एक कनेक्शन बन जाता है, ये समझ लो, ठीक है। और वहां से जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव करता है ना, मूव करता है कॉइल के अंदर, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये इस पे वर्क करता है, ओके। तो ये याद रखना, डायनेमो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जब आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज ना वहां भी होता है, कहाँ, जो आपकी बेल होती है ना, जो घर के बाहर बेल लगी रहती है, वहां भी एक इंडक्शन का यूज होता है, मतलब यही वहां पे यही कॉन्सेप्ट लगता है वहां पे भी। नेक्स्ट आपका इसमें मोटर, मोटर भी आपने सुना होगा, ध्यान रखना, मोटर अब इसका जस्ट अपोजिट कर देगा, मोटर इसका जस्ट अपोजिट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसको वो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ये होता है मोटर का काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपकी कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने देखा वो छोटी मोटर भी लगी होती है ना, जैसे आपने गाड़ियों पे देखा होगा छोटी छोटी जो जो टॉय वगैरह होते हैं, उसे आपने निकाला भी होगा, उसे घुमाया भी होगा सेल से, ठीक है। तो वही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दी, और वो घूमने लग जाता है, काम करने लग जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई, राइट, ओके। नेक्स्ट एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है पता है आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है, ठीक है, मतलब जो ये ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर फॉर्म उसको चेंज कर देना, ठीक है, उसको चेंज कर देना, जो आपके लो वोल्टेज की करंट होगी, लो वोल्टेज की करंट होगी उसे चेंज करेगा हाई वोल्टेज में, कर सकता है, और
जो आपकी हाई वोल्टेज की होगी, जो आपकी हाई वोल्टेज की होगी उसे चेंज कर सकता है लो वोल्टेज में। बोलो बात समझ आई? लो वोल्टेज करंट हम वहां पे लिख लेंगे। कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। इसके जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना, उसके लिए फिक्स ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। क्योंकि वो चेंज कर देता है, अगर वो नहीं करोगे तो बहुत ही ज्यादा लाइट आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, मतलब वोल्टेज हाई वोल्टेज बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगा। क्लियर होगा यहाँ पे? तो एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। पहले इसमें डीप कॉन्सेप्ट काफी रहता है, लेकिन वो चीज आप 9th-10th से आपको हल्का फुल्का स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ भी मैंने बता दिया क्योंकि सब कुछ यहीं पढ़ोगे तो आगे के लिए भी तो कुछ रखोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बता देना, फिर इन पे भी सेपरेट बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो करंट है उसे मेजर करते हैं, जरा मेजरमेंट ऑफ करंट, मतलब हम किन डिवाइस से करंट को मेजर करते हैं। दो तीन डिवाइस हैं। फर्स्ट है आपके यहाँ पे क्या, गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट होगा आपका यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। देखो, गैल्वेनोमीटर हम कहेंगे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मतलब देखता है कि यहाँ पे है कि नहीं है, और साथ में मेजर भी कर लेगा। डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये इतना ज्यादा आपका सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो कि ये डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिख लो up to 10 to the power -6 ampere। अब समझ आई बात? 10 to the power -6 मतलब इसे मैं से लिख सकता हूँ 1/10 to the power 6, मतलब इतनी कम, ये देख रहे हो ना, इतनी कम कितना आएगा आंसर, बहुत ही कम आएगा। इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी को भी ये डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। मतलब ये एक उस टाइप का होता है, जैसे कंपास टाइप का देखा है ना, उसी टाइप का, भले वैसा होता नहीं है लेकिन उसी टाइप का होता है। उस पर सुई भी होती है एक, ठीक है, और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जाए तो वो सुई में डेविएशन स्टार्ट हो जाता है, वो हिलने लग जाती है वगैरह, आगे पढ़ोगे सब चीजें, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या है, डिटेक्टेड मीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा up to 10 to the power -6 ampere तक की, राइट। 10 to the power -6 ampere तक इतनी कम को वो डिटेक्ट कर लेता है, राइट। ओके, अब जो आपका एक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, हम इसको एमीटर बना सकते हैं। एक दूसरा डिवाइस आएगा आपका क्या, एमीटर। दूसरा डिवाइस आएगा आपका क्या, अमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि जो आपके इलेक्ट्रिक करंट होती है उसे कौन मेजर करता है। ज्यादातर एमीटर ही उसका मेन डिवाइस होता है जो कि उसे मेजर करता है। एमीटर कैसे बनता है, अगर हम गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दे, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस कि वो रेसिस्ट करने लग जाए, तो वो एम्पियर, वो आपका एमीटर बनने लग जाएगा, ठीक है। वैसे इसके इसके भी कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम उसको चेंज करें, पर चलो, तो आप लिखोगे कि जो एमीटर होता है ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, मेजर इलेक्ट्रिक करंट को ये मेजर कर देता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, फिलहाल इनको याद ही रखो क्योंकि बेसिक चीज है, इसके जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो जीरो होती है, रेजिस्टेंस इज जीरो। भले कम ज्यादा भी इसके कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो आइडियल एमीटर होता है, जो एक प्रॉपर एमीटर होता है, उसकी जीरो हो जाती है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, देखो इनको ऐसे याद रख दो। सर्किट की स्पेलिंग क्या होती है, CUIT, देख लेना, मैं भूल गया सर्किट, ठीक है, क्योंकि भूल ही जाती स्पेलिंग, ठीक है। देखा मैंने, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहा है एमिटर, रेजिस्टेंस उसके जीरो है, रेजिस्टेंस बहुत है कि वहां पे जो बैरियर आता है फ्लो करने में इलेक्ट्रॉन को, कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, CVR मतलब जो सर्किट होगा वहां पे जितनी भी चीजें होंगी, ये एमिटर भी हम उनकी सीरीज में, मतलब एक के बाद एक ऐसे 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 इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी बोल दिया, इस पे काफी डीप कॉन्सेप्ट होते हैं, काफी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। आपने आपके लेवल से सिर्फ यही दिया रहता है कि एमिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, बात खत्म, ठीक है। तो आप भी फिलहाल उतना ही जान लो, बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ज्यादा जानना होगा ना, तो मैं इलेक्ट्रिक डिवाइस पे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे एक सेपरेट सीरीज स्टार्ट करना चाहूँ, जिसपे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बिल्कुल डीप जानेंगे, ठीक है, बिल्कुल मजे तरीके से।
आपका नेक्स्ट होगा यहाँ पे थर्ड जो आपका आएगा वो आएगा वोल्ट मीटर, वो आएगा आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपका क्या होता है, ठीक है, ये आपका मेजर करता है, ये जरा याद रखना, ये आपका मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डिफरेंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दो चीजों के बीच होगा, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसके भी अगर वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आएगा तो याद, एक चीज जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, इसके जीरो थी इसकी हाई हो जाती है, ठीक है, और इसको जो हम कनेक्ट करते हैं, इसको जो हम कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल करते हैं, पैरेलल मतलब अगर ऐसा है तो हम इसे यहाँ कनेक्ट करेंगे, पैरेलल इसको हम कनेक्ट कर देंगे, बाकी इतना ही याद रख लो, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मान लो आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, हमने जो जो पावर की बात की थी वहां पे कुछ वर्क डन हो रहा था ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये इसे हम वर्क डन ही कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में जितना काम करना पड़ रहा है, जितना काम करना पड़ रहा है उसी को आप वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आगे पढ़ोगे तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। यहाँ पे आपका आई थिंक ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेल वाला, कोई चीज मिस हो गई होगी तो वो भी जरूर बता देना। यहाँ से क्वेश्चन एमीटर वाला याद आता जाता है कि एमीटर या कौन इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है, एमीटर और सेल वाला आएगा। या एक चीज इसमें आई थिंक एक सोलर बैटरी भी आ सकती है, सोलर बैटरी आपको पता है क्या होती है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसे आप क्या कहते हो, सोलर बैटरी कह देते हो, है ना, जो आपकी छतों में भी लगी होती है ना, वो भी आएगा तो कर लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेल वाला भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद आई मीन ये इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया, कुछ चीज मिस हो गई हो तो जरूर बता देना, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो भी आप लोग बता देना, राइट। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।